केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे का बयान, अग्निवीर योजना का लाभ देश के नौजवान उठा रहे हैं। अखिलेश यादव से कहूंगा कि वह अग्निवीर योजना का अध्ययन करें। खबर चंदौली से है। विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत करने सकड़िया विधानसभा के माटीगांव पहुंचे चंदौली के सांसद केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने योजना का शुभारंभ किया और मोदी सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं के बारे में बखान किया। इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री ने सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज अग्निवीर योजना का लाभ देश के नौजवान उठा रहे हैं। दुनिया के कई देश अग्निवीर योजना में युवाओं को जोड़ते हैं। मैं अखिलेश यादव से कहूंगा कि वह अग्निवीर योजना का अध्ययन करें। देश के 62% युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए योजना रामबाण उपाय है। राहुल गांधी के अलग हिंदुस्तान बनाने के बयान पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, देश की 140 करोड़ की जनता मोदी गारंटी को पक्की गारंटी मानती है। यह जन विश्वास और यह जन विश्वास वर्षों बाद देश में किसी नेता को मिला तो नरेंद्र मोदी हैं। आज अग्निवीर की योजनाओं का लाभ देश के नौजवान उठा रहे हैं और दुनिया के कई देश अग्निवीर में अपने युवाओं को जोड़ते हैं। मैं श्री अखिलेश जी को कहूँगा कि अग्निवीर योजना का पूरा अध्ययन करें। अग्निवीर योजना इस देश की 62% युवा आबादी के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए एक रामबाण जैसा है। मेरा आकलन यह है, जो सूचनाएं मिल रही हैं पार्टी नेताओं के दौरों से, तेलंगाना में मुझे भी जाने का मौका मिला जिसका भी 30 को मतदान है, भारतीय जनता पार्टी शानदार सफलता के साथ आ रही है। अगर ऐसा कोई है तो उसका संज्ञान वहाँ का प्रशासन लेगा और निश्चित तौर से मैं आग्रह करूंगा उस पर कदम उठाएगा। आज देश के अंदर मोदी की गारंटी को सच में देश की 140 करोड़ जनता पक्की गारंटी मानती है। इसको कहते हैं जन विश्वास। यह जन विश्वास इस देश में वर्षों बाद किसी एक नेता को मिला है तो नरेंद्र मोदी को मिला। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के उस बयान की कड़ी निंदा की है, उनसे माफी मांगने को कहा है। और राहुल गांधी जिस देश के अपने को जिम्मेवार नेता मानते हैं, बहुत पुरानी पार्टी कांग्रेस का अपने को वरिष्ठ नेता मानते हैं, तो उन्होंने इतने अशोभनीय बयान के लिए उनको क्षमा मांगनी चाहिए।